बेसिक शिक्षा विभाग की सारी छुट्टियां मानव संपदा पोर्टल से स्वीकृत होती हैं। मानव संपदा पर अवकाश लेने के लिए विभिन्न छुट्टियों के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनते थे, अब इनमें कुछ बदलाव हुआ है। दूसरी बात, हम जब कोई भी अवकाश जैसे मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, CCL आदि लेते थे तो एक प्रार्थना पत्र लिखकर उनके साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स की PDF बनाकर मानव संपदा के पोर्टल पर अपलोड करना होता था। लेकिन अब जब रिपोर्टिंग ऑफिसर के नियमों में बदलाव हुआ है तो प्रार्थना पत्र किसके नाम का लिखेंगे तथा सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में रिपोर्टिंग ऑफिसर किसको बनाएंगे, सभी सवालों का जवाब यहाँ आपको मिलेंगे। लेकिन उसके पहले Please subscribe Teacher's Hut and press the bell icon for more updates. पहले मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को बनाया जाता था। एप्लीकेशन भी BEO के नाम से ही लिखा जाता था तथा सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में खंड शिक्षा अधिकारी को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाने का नियम था। अब यह नियम बदल गया है। अब मानव संपदा पर सभी प्रकार के अवकाश जैसे मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, CCL, EL आदि के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने हेडमास्टर अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बनाना होगा। आकस्मिक अवकाश को हेडमास्टर इंचार्ज प्रधानाध्यापक स्वयं अप्रूव करेंगे। मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश, EL, CCL को हेडमास्टर खंड शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। जो अवकाश BEO के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा वह BEO जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मानव संपदा के माध्यम से प्रेषित करेंगे। प्रार्थना पत्र CL को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र खंड शिक्षा अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखेंगे, जिसकी स्कैन कॉपी संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ PDF मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सेंड ज्वाइन रिक्वेस्ट CL को छोड़कर यदि हम कोई अवकाश लेते हैं तो मानव संपदा पोर्टल पर ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजना होता है। अब सभी अवकाश के बाद सेंड ज्वाइन रिक्वेस्ट में रिपोर्टिंग ऑफिसर हेडमास्टर अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। हेडमास्टर से कहकर यह रिक्वेस्ट BEO को फॉरवर्ड कराना होगा। एक और बात, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है तो जो भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे वह BEO के नाम लिखना होगा तथा उसकी PDF संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए टीचर्स हट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।